दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप भी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं और सीढ़ियां चढ़ते समय आपके घुटने में तेज दर्द होता है और घुटना लॉक हो जाता है, तो उससे हम कैसे ठीक करें। यदि आप सीढ़ी चढ़ते समय पहला पैर अपने ऊपर ऐसे रख दिया और दूसरा पैर आप उठा नहीं पाते हैं, घुटना जाम हो जाता है, घुटना ठीक से सीधा नहीं हो पाता है या फिर टांगे कांपने लग जाती हैं, तो इसके लिए मैं आज आपको एक बेहतरीन अभ्यास बताने वाला हूं जिसका आपने नियमित अभ्यास करना है। और यकीन मानेगा आप, यदि आपने इस तरह अभ्यास किया तो 45 से 50 दिन में आपके घुटने की समस्या कम से कम 70 से 75% ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले तो आपने नी कैप पहन लेनी है, जो मैं पहले से ही पहना हुआ। नी कैप ले लीजिएगा, नी कैप पहन लीजिएगा, ठीक है। आप इस तरह से एक स्टूल ले लें या फिर चेयर ले लें। यदि स्टूल और चेयर ज्यादा ऊंची नहीं है तो उसके ऊपर आप ऐसा एक योगा ब्लॉक्स रख लीजिएगा या फिर मोटा सा तकिया या फिर कपड़ा फोल्ड करके रख दीजिएगा। उसके बाद ऐसे खड़े हो जाएगा, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखिएगा। फिर लंबा सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से आपने ऐसे बैठ जाना है। इससे क्या होगा कि आपके घुटने की मसल्स की एक्सरसाइज होगी, लेकिन बैठते टाइम आपके कंधे थोड़े से आगे की ओर झुके रहेंगे ताकि आपके घुटनों पे हल्का हल्का प्रेशर पड़ता रहे। ऐसा आपको 15 से 20 बार लगातार करना है। सांस ले लिया, उठे, सीधे घुटने सीधे रखना है, सांस छोड़ दिया, बैठे, सांस ले लिया, उठे, रुके कुछ देर, सांस छोड़ते हुए बैठे और कुछ देर रुकना है, यानी 5 सेकंड के लिए और 7 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए रुकना है। फिर सांस ले लिया, उठे, पैर सीधे, कमर सीधी, सांस छोड़ा, बैठे। अब यदि यहाँ पे आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, घुटने में किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं आ रहा, खिंचाव नहीं आ रहा है, या आपकी पिंडलियों में कोई खिंचाव नहीं आ रहा, तो ब्लॉक को हटा दीजिएगा। अब बिना ब्लॉक के कर दीजिएगा, ठीक है। सांस लिया, खड़े उठे, सांस छोड़े, बैठे आसानी के साथ, उठे, कुछ देर रुके, फिर बैठ के, उठे, बैठ के, उठना है, फिर बैठ जाना है, उठना है, फिर बैठ जाना है, उठना है, कुछ देर रुके रहना है, फिर बैठ जाना है, कुछ देर रुके रहना है। और उसके बाद आपने हल्के हल्के अपने घुटनों को ऐसे मसाज दे लिए। इधर से दिखा देता हूं आप लोगों को, आसानी रहेगा आपको। ये ऐसे नी कैप पहन के रखें और घुटने की हल्की सी मालिश करें, ठीक। ये तो था हमारा पहला अभ्यास। अगला अभ्यास आपने क्या करना है, जैसे सीढ़ियां चढ़ने का आपने प्रयास करना है, अगले अभ्यास के लिए आपने ऐसे एक छोटी सी, या तो आपके घर में पटरी होगी वो पटरी रखनी है जिसमें आप बैठते हैं, या तो फिर छोटा सा प्लास्टिक का पटरी आता है इतना छोटा सा, वो रख लेना सामने और एक पैर उठा के ऐसे रख लेना जैसे सीढ़ियां चढ़ने के लिए करते हैं, और हल्का सा जो पैर ऊपर रखा उसका हिप आगे को प्रेस करना है, ये ठीक है, लेकिन पीछे वाला पैर सीधा रहेगा। फिर पैर पीछे, दूसरा पैर ऊपर, ऐसा आपने 10 से 15 बार करना है। फिर पीछे, दूसरा पैर ऊपर, पहला पैर नीचे, फिर दूसरा पैर ऊपर, ये पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा रखना है, आगे वाला मुड़ जाएगा। अब जो अगला अभ्यास है वो आपने बड़ी सावधानी के साथ करना है। ऐसे पटरी के बराबर में खड़े हो जाएगा, एक पैर को ऐसे ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है, और ऐसे दूसरा पैर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। बहुत सावधानी के साथ करिएगा और धीरे धीरे करिएगा ताकि आपके घुटने को नुकसान ना हो किसी भी तरह का। उठेगा, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे,
ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आपने ऐसा लगातार 3 से 5 मिनट करना है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।